हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है। आप सब कैसे हो गाइस? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर क्या है। इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल बनाई हुई है। पाइल वन है स्टार फ्रूट, पाइल टू है एप्पल और पाइल थ्री है बनाना। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर मेडिटेट करके आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और अपनी इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ सभी बातें रेजोनेट नहीं होगी गाइस। एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी एक स्टार फ्रूट चूज़ किया है पाइल वन के लिए, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की आज की फीलिंग आपको लेकर क्या है। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी गाइस। ओके, द हेरिफेंट, एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स। मैंने ऑलरेडी कार्ड सफल करके रखे, फिर भी आपके सामने मैं सफल कर रही हूँ गाइस। ओके, सेवन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल और नाइन ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, और कोई भी फैसला सोच समझ कर लेती है, ऐसे ही नहीं लेती है। उनके बहुत सारे सपने हैं और उन्होंने अपने सपने पूरे भी कर लिए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा आगे भी आए हैं। ओके, और आज वो अपनी पोजीशन में बहुत ही ज़्यादा हाई है, ऊपर है। ओके, और आपकी एनर्जी ये है गाइस, आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, उनकी वो आपके सामने एक प्रपोज़ल रखे, उनकी इमोशंस आपके सामने रखे, उनका आप इंतज़ार कर रहे हो इस तरह से कि आपके पार्टनर आपके सामने जल्द से जल्द आए। ओके, ये आपकी एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बन चुके हो, चाहे आप अभी जॉब या बिजनेस नहीं भी कर रहे हो, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप मेंटली फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इंसान हो। ओके, उन्हें ऐसा लगता है, और आप इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, और अपनी छोटी छोटी बातों को आपके पार्टनर के सामने रखते हो, वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी ही गाइस आप दोनों की लाइफ में, और थर्ड पार्टी है उनकी फैमिली। आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और उन्हें अपने एक बराबरी की एक फैमिली चाहिए। ओके, और आपके पार्टनर की फैमिली यही सोचती है कि मेरे लड़का या मेरी लड़की के लिए हमारे जितना ही स्टेटस उनका होना चाहिए। ओके, उन्हें ऐसा लगता है, और वो इस तरह से अपने लड़का या लड़की के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर अभी सोच में डूबे हुए हैं कि वो क्या करें। अभी हाल फिलहाल वो अपने सपने जो अभी थोड़े पूरे करने बाकी है, कुछ सपने उन्होंने पूरे कर लिए हैं और कुछ सपने पूरे करने अभी बाकी है, हाल फिलहाल उसके बारे में भी सोच रहे हैं और अपने फैमिली को लेकर भी बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को किस तरह से मनाऊं। और इस वजह से वो अभी हाल फिलहाल एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिससे वो अपने पैरों पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बन सके और अपनी फैमिली को अपनी बात उनके सामने रख पाए। इतने ज़्यादा वो स्टेबल बनना चाहते हैं और वो आपके साथ ही आना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर ने आपके बारे में उनकी फैमिली को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी फैमिली
नहीं मानेगी आपको लेकर। इस वजह से वो अभी अपने कैरियर में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और ख़ुद वो आपके लेकर एक सही डिसीज़न ले सके, क्योंकि वो आपको ही चाहते हैं और आपके साथ ही आना चाहते हैं। तो हाल फिलहाल की आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इतने ज़्यादा अपने कैरियर में ध्यान दे रहे हैं गाइस, आपको लेकर। वो आपके साथ ही आना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं और वो आपके साथ ही आगे फैमिली और फ्यूचर देखते हैं। ओके, तो अभी वो हाल फिलहाल आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा पार्टनर उन्हें कभी भी नहीं मिल सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग हो और बहुत ही ज़्यादा मासूम उन्हें लगते हो और आप इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड हो और कभी किसी लोगों के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचते हो। ये बात भी आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छी लगती है और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और मैच्योर इंसान है। इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है गाइस कि आपके जैसा पार्टनर उन्हें पहली बार मिला है। अभी तक जो कुछ भी इनकी लाइफ में आए हैं उनमें से आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो गाइस। ओके, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा पार्टनर मेरे लिए एक सपने की तरह है और वो आपको ड्रीम मानते हैं और वो ड्रीम वो पूरा करना चाहते हैं और वो आप ही के साथ आना चाहते हैं। और उनके जो सपने हैं उनमें एक सपना आप भी हो, आप देख सकते हो, और वो आपको भी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और अभी इस वजह से वो कैरियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी शायद उन्होंने आपको इमोशंस नहीं बताए, लेकिन आपको उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए और आपको अपना धैर्य पेशेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आखिर में आपके पार्टनर आपके लिए ही जस्टिस करेंगे, आपके साथ ही जस्टिस करेंगे, आपके साथ ही शादी करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सोच लिया है। और मैंने आपको बताया आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, सोच समझकर बोलते हैं और कुछ भी ऐसे नहीं बोलते हैं। वो आपको झूठा वादा नहीं करना चाहते, इस वजह से वो अभी आपके अपने इमोशंस को दबा रहे हैं और आपके सामने नहीं रख रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने आपको वादा कर दिया और मैं निभा नहीं पाया, तो इस वजह से वो अभी आपको अपनी फीलिंगों को नहीं बता रहे हैं और आपसे दूरी बनाई हुई है। ओके, और वो आपको शायद उन्होंने आपको अनब्लॉक भी कर दिया होगा गाइस, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप में से कुछ 60% लोगों को आपके पार्टनर ने अनब्लॉक कर दिया होगा। ओके, और आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी के ज़रिए बातें भी करते होंगे गाइस। आप दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे का एहसास महसूस कर सकते हो। ओके गाइस, तो मुझे तो यहाँ यही लगता है कि आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए। आपके पार्टनर हर पल 24 आवर्स आपके बारे में ही सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। अभी आपको वक्त नहीं दे रहे क्योंकि वो आप ही के लिए बहुत ही ज़्यादा कैरियर में ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब मैसेज देख लेते हैं गाइस, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस तरह से न्यू कार्ड नहीं आएंगे गाइस, तो मैं इस तरह से लूँगी। ओके, तो यू आर द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन टू टच माई हार्ट। मैंने आपको बताया कि आप वो पहले इंसान हो जिसने उनका दिल छू लिया है। तो योर पैशनेट एंड नेवर एंडिंग लव, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट और उनके दिल में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हाउ स्वीट। ओके, यू हैव नो आइडिया हाउ मच माई हार्ट रेस व्हेन आई सी यू। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 90% लोग हैं जो मिल भी चुके हैं
और एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से कुछ कुछ जानते भी हैं। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि जब भी मैं आपको देखता हूँ तब मेरे हार्ट की मतलब मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा, मेरी धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। यू क्यूट स्माइल मेल्ट माई सोल। तो आपकी क्यूट स्माइल उनकी आत्मा को पिघला देती है, उनको पिघला देती है। आई वॉन्ट टू बी योर वाइफ। तो वो आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं या फिर हस्बैंड बनाना चाहते हैं। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए है। नो वन मेक्स मी फील द वे यू डू। तो आपके जैसा फील मुझे किसी ने अभी तक नहीं कराया था। ओके, योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कम्प्लीट। तो आपका प्यार उन्हें सभी तरह से कम्प्लीट कराता है। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है माई आई स्टिल मिस यू। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मेरी आंखें आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। तो मैंने आपको बताया कि हाँ, मैंने आपको ये बताया कि 90% लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है, लेकिन कुछ 10% लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है गाइस आप। ओके, तो वो आप उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा तरस जाती है आपको देखने के लिए, इसलिए आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ, मेरी आंखें आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। चलिए यहाँ से कुछ देख लेते हैं गाइस। ओके, बॉसी। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा बॉसी लग सकते हो। और मैंने आपको यहाँ बताया कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके गाइस, मैच्योर भी है, तो वो आपको बॉसी लग सकते हैं। और कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये लड़का या लड़की सभी बातें मुझसे मनवा कर ही रहता है और मेरी एक भी बात नहीं सुनता है, और मेरी बात मानने की बात तो बहुत ही दूर ही रह गई। तो आपको कभी कभी आपके पार्टनर बॉसी भी लगते होंगे कि ये जब देखो तब अपनी बात मनवाता रहता है। ओके, ट्रस्ट वर्थी। ओके, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। कॉन्शियसनेस। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो। गुड। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डिपेंडेबल। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप मुझ पर डिपेंडेबल नहीं रहो और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करो और एडवेंचर करो और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनो, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये एप्पल चूज़ किया है पाइल टू के लिए, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर क्या है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। तो पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि उनके पार्टनर उनको लेकर क्या फीलिंग है, उनके पार्टनर की उनको लेकर क्या फीलिंग है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। डिवाइन बताइए पाइल टू जिस किसी ने भी चूज की है, तो ये दो कार्ड मैं नहीं लूंगी गाइस। उनके पार्टनर की फीलिंग, क्वीन ऑफ कप्स, उनके पार्टनर की फीलिंग उनको लेकर क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दी वर्ल्ड, और एक कार्ड मुझे चाहिए दी हेरफेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल। हमारे पास फाइव कार्ड मेजर अरकाना है गाइस और वन कार्ड माइनर अरकाना है। ओके, और मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन देता है गाइस। ओके, तो हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपके पार्टनर पहले आपको गाइस इतना ज़्यादा लव नहीं करते थे।
उनके दिल में बस यही था कि वो आपके साथ फ्लर्ट करेंगे और आपके साथ फ्लर्टी, उनका जो फ्लर्टी नेचर है अभी हाल फिलहाल, उनका फ्लर्टी नेचर निकल गया है आपको लेकर। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि उनका जो जब फ्लर्टी नेचर था, अभी भी हाल फिलहाल वो अपने उन आपके पार्टनर लड़का हो तो वो लड़कियों के साथ बात करते हैं, लेकिन अब इस तरह से नहीं, वो जेन्युइन तरीके से बात करते हैं। लेकिन पहले वो आपके साथ जब बात करते थे तब फ्लर्टी नेचर की तरह आपके साथ उन्हें ऐसा लगता था कि बस इसके साथ बात करनी है और इसके साथ इमोशंस की बातें करनी है और आगे बढ़ना है और फिर मुझे आगे बढ़ जाना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इस तरह से आपके पार्टनर की सोच थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल उनके दिमाग में बस आप ही आप छाए हुए हो और वो आपके साथ बात नहीं करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो आपके साथ मैसेज या फ़ोन के थ्रू बातें नहीं भी करते होंगे लेकिन वो 24 आवर्स पूरे दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी बातें भी करते होंगे क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बता रही कि ये एनर्जी आपकी है गाइस। ओके, आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये एनर्जी आपकी है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप दूसरों के इमोशंस की कदर करते हो, उनको समझते हो और उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो साफ साफ आप में झलकता है। ओके, और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, इस वजह से आप लोगों को अंदर से हील करते हो। कोई भी आपके साथ कोई भी बात करे या कुछ कहे कि मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप उनको इतनी अच्छी तरह से समझाते हो कि वो सामने वाला इंसान अंदर से हील हो जाता है। ओके, तो आप एक हाई प्रेस्टेज हो, इस वजह से अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर यही है कि मैं आपके साथ बात नहीं करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस उनकी यही एनर्जी है। वो आपको बार बार सोचना चाहते हैं, वो आपके बगैर नहीं रह पाते हैं, और जब आप दोनों की बातचीत नहीं होती होगी तो वो आप दोनों के मैसेज पढ़ते होंगे या फिर आपकी फ़ोटो देखकर आपकी फ़ोटो के साथ बातें करते होंगे, और फ़ोन में आप दोनों ने बातें की होगी तो वो सभी बातों को याद करते होंगे। इस तरह से अब आपने उनकी लाइफ में एक जगह बना ली है और आपके पार्टनर की लाइफ में आप उनकी एक दुनिया बन चुके हो गाइस। ओके, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा पार्टनर जो एक रोमांटिक, एक पैशनेट और अट्रैक्टिव पर्सन है, वो मुझे किस तरह से मिल गया। वो हर बार यही सोचते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इस तरह से अचानक ये पार्टनर मिल जाएगा, मेरा पार्टनर मिल जाएगा। आप उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी लगते हो, आप इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, उन्हें ऐसा लगता है, और आप उनकी सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, उन्हें ऐसा लगता है। उन्होंने अभी तक क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि उन्होंने अभी तक अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं रखा है और वो अपने इमोशंस को किसी के सामने इतनी अच्छी तरह से बता नहीं पाते हैं, और आपके पार्टनर साई स्वभाव के भी हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर फ्लर्टी ज़रूर है लेकिन जब वो किसी के साथ जुड़ते हैं और उसके साथ आते हैं तो वो अपने इमोशंस को रख नहीं पाते हैं। जब वो पहले फ्लर्टी नेचर के थे तब वो किसी के भी सामने अपने दिल की बातों को यूं ही फटाफट कह देते थे और टाइम पास कर लेते थे, लेकिन अब वो आपके साथ जुड़े हैं तो वो अपनी फीलिंगों को आपके सामने नहीं रख पा रहे गाइस, और इस बात में उनको बहुत ही ज़्यादा झिझक महसूस होती है। वो सभी तरह की आपके साथ बात करते होंगे लेकिन इमोशंस की बात कभी नहीं करते होंगे। अभी हाल फिलहाल की आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि वो आपको लेकर एक सही फैसला लेना चाहते हैं,
और वो चाहते हैं कि ये शादी का कार्ड होता है गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं। और अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर के दिमाग में यही चल रहा है कि आपके जैसा पार्टनर मैं खोना नहीं चाहता हूँ, इस वजह से वो आपको लेकर एक छोटा मोटा डिसीज़न लेना चाहते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं। ओके, और आज आपके पार्टनर की एनर्जी पूरे दिन यही रहेगी कि आपको किस तरह से अपने इमोशंस बताए जाए और किस तरह से आपके सामने आया जाए, बस वो वही सोचेंगे। ओके, और बार बार पूरे दिन वो यही सोचेंगे कि मुझे किसी भी तरह आपके साथ आना है। चलिए अब मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर की। ओके, आई हैव नो आइडिया हाउ मच आई वॉन्ट किस यू राइट नाउ। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैं अभी आपको किस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। गुड नाइट, होप टू मीट अप विथ यू इन माई ड्रीम्स। तो मैं आपको शुभरात्रि कहती हूँ या कहता हूँ और हम ड्रीम में एक दूसरे के साथ मिलेंगे सपने में। यू आर माई पर्सन, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप मेरे ही सिर्फ पर्सन हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएसन। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप मेरी सिचुएसन को समझने की कोशिश करो। तो वो अभी हाल फिलहाल अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं रख पा रहे, तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप मेरी सिचुएसन को समझने की कोशिश करो। लविंग यू इज़ अ फुल टाइम जॉब बट आई लव माई कैरियर। तो आपके पार्टनर शायद अपनी कैरियर में बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इस वजह से आपको कह रहे हैं कि मैं आपको फुल टाइम प्यार करना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी कैरियर को भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अपने कैरियर को भी बहुत प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट एवरी मॉर्निंग टू स्टार्ट बींग रैपर्ड इन योर आर्म्स। तो हर रोज़ की सुबह मैं आपके दोनों हाथों में होना चाहती हूँ। एवरी डे आई टुक एट यू एट फील लव एंड इंस्पिरेशन आई एम ऑल योर्स। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि हर रोज़ मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आपका लव फील करना चाहता हूँ और आप मेरी इंस्पिरेशन बन गई हो और आप मेरे लिए सब कुछ हो। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ब्लू आइज, ये सॉन्ग है गाइस। ओके, अंडरस्टैंडिंग। तो आपके पार्टनर को आप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, उन्हें ऐसा लगता है और इस वजह से वो आपको बहुत प्यार करने लगी है। उनका पहला फ्लर्टी नेचर था वो मैंने आपको बताया। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि ये सॉन्ग है गाइस, आप सुनना, इसमें से आपको कुछ शायद मैसेज मिल जाए। ओके, तो मैं जितना तुम्हें देखता हूँ मेरा मन नहीं भरता है और ये जिस किसी की भी पायल है, यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है गाइस। ओके, और 5% लोगों के लिए ही लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके गाइस, फोकस। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपका फोकस बहुत ही अच्छा है, आप एक वर्क को हाथ में लेते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें करते हो। मतलब आप कोई भी काम हाथ में लेते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से करते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपका फोकस बहुत ही अच्छा है। तू जहाँ मैं वहाँ, तो आपके पार्टनर ये मैसेज, ये सॉन्ग है गाइस। ओके, तो कह रहे हैं कि तू जहाँ मैं वहाँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थे चूज़ की है बनाना, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की विलिंग आपको लेकर क्या है। डिवाइन बताइए पाइल थ्री जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनके पार्टनर की फीलिंग उनको लेकर क्या है। टेन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फायर साइन, एरिस लियो, सजिटेरियस। सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, द सन, लियो, फिर से फायर साइन, और है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, वाटर साइन में है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, और अर्थ साइन भी आ गया है लास्ट में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर गाइस, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है मैं आपको बता दूं, और वो बहुत ही ज़्यादा अपने कैरियर में कॉन्शियस रहते हैं, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करना है। उनके दिमाग में हर पल यही आता है रहता है कि मुझे बहुत ही बड़ा इंसान बनना है। ओके, और इस वजह से वो हर रोज़ वही सोते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप दोनों को किस्मत ने मिलाया है, इस वजह से आज आप लोग एक दूसरे के साथ हो। ओके, अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपके पार्टनर अपने कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको बहुत ही बड़ा इंसान बनना है, इस वजह से वो बहुत सारा काम करते हैं और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा थक भी जाते हैं। तो आपको लेकर उनकी यही फीलिंग रहेगी कि वो आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, और लेकिन उनके दिलो दिमाग में अभी हाल फिलहाल करियर को लेकर ही चल रहा है गाइस। वो आपको एक स्टार मानते हैं, उनके लिए आप एक स्टार हो जिसे वो पाना चाहते हैं, और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत में आगे बढ़ रहे हैं गाइस, और बहुत ही बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना चाहते हैं और फिर आपके सामने आना चाहते हैं, जिससे वो आपके सारी सुख सुविधा फैसिलिटी आपकी पूरी कर सके और आपको रानी की तरह रख पाए। ओके, उन्हें वो आपको एक ट्रेजर की तरह मानते हैं और आप उनका एक खजाना हो जिनको वो हमेशा सारी सुख सुविधा से भरना चाहते हैं, देना चाहते हैं। आप उनके लिए एक बहुत ही खास स्पेशल इंसान हो जिससे जिसको वो बहुत ही सही जगह देना चाहते हैं, और आपको कभी भी कोई भी दुख या तकलीफ ना हो उसका भी ध्यान रखते हुए वो अभी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, एबंडेंस लाइफ देना चाहते हैं, और उनके मन में बस यही है कि मुझे आपको एक अच्छी लाइफ देनी है। इस वजह से वो अभी आपको अपने इमोशंस को नहीं बता रहे हैं, और आप उनके लिए एक स्टार हो तो उन्हें हमेशा यही लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया होगा जो किस्मत ने मुझे आपकी तरह का इतना खास स्पेशल इंसान मेरी लाइफ में भेजा भगवान ने। ओके, और उन्हें हर पल यही लगता है कि किस्मत से तुम मुझे मिल गई, कैसे मुझे किस्मत से तुम मिल गई। ओके, हर पल उनके दिमाग में यही आता है, और आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। ओके, मैंने आपको बताया हाल फिलहाल तो उनकी लाइफ में यही है कि उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ थर्ड पार्टी है गाइस, वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मानते हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ, थर्ड पार्टी है गाइस उनकी फैमिली। ओके, और वो बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक इंसान है गाइस। ओके, और आप में से कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है कोई मेल या फीमेल, कोई मेल या फीमेल फिगर है गाइस, इस वजह से वो रुके हुए हैं और आपको लेकर कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहे,
तो आज के आपके पार्टनर की फीलिंग यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, और जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक अपनी लव लाइफ बहुत ही अच्छी उनकी नहीं रही है गाइस, इस वजह से वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इस वजह से वो इस पोजीशन में आना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं। तो आपको अपना विश्वास और धैर्य नहीं खोना है, और हर पल पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहना है, उनके बारे में नेगेटिव नहीं होना है। और मैंने आपको बताया कि अभी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी उनको सिखा कर चली जाएगी, वो उनको एक लेसन देगी, वो लेसन देकर वो चली जाएगी। इस वजह से आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, और आपको ये नहीं सोचना है कि आपको ये मैनिफेस्ट नहीं करना है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ओके? क्योंकि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाता है। इस वजह से मैं आपको बस यही कहूँगी गाइस कि आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहना है, आपके पार्टनर आपको ही पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपके पास आएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ उनके लेसन है जो यूनिवर्स सब कुछ संभाल लेगी, आपको उसमें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी तरफ से आपके पार्टनर को लेकर पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है, ओके? उनकी ये एक साइकिल चल रही है अभी, वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, ओके? चलिए अब मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर की। आई लाइक यू वेरी मच जस्ट एज यू आर। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो। आई लव यू सो मच। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। टू मी यू आर परफेक्ट। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप मेरे लिए परफेक्ट इंसान हो, परफेक्ट हो। आई कॉन्ट पिक द परफेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ आई फील फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मुझे ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं आते, परफेक्ट वर्ड्स नहीं पता है कि मैं आपको एक्सप्रेस करूं, बताऊं कि मैं आपको लेकर क्या फील करता हूं या करती हूं। माई लव इज़ इटर्नल। तो मेरा प्यार हमेशा आपके लिए ही है। प्रोमिसिस आर ईजी टू कीप वैन द ट्रस्ट इज़ म्यूचुअल एंड लव इज़ इटर्नल। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वादा करना बहुत ही ईजी है, लेकिन ट्रस्ट एक दूसरे पर होना और प्यार हमेशा एक दूसरे के प्रति होना, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपको वादा करके फिर मैं नहीं निभा पाऊँ, ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ओके? यू आर माई ड्रीम लवर एंड आई कुडंट